हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्रहित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता, समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। लैंगिक असमानता से पीड़ित आज समाज है, भारत को बदलाव की जरूरत आज है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि जो भी लोग लैंगिक असमानता को मुद्दा बनाकर बहस का आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या एक के बिना दूसरे का अस्तित्व टिक पाएगा? या फिर जो भी लोग कहते हैं लड़कियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को वहां नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, इसे हमारे भारत की संस्कृति से जोड़ते हैं, तो मैं उन सब से भी ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक के बिना देश का विकास, दुनिया का विकास संभव है? क्या एक के बिना हमारे समाज का विकास संभव है? वह लड़की है, उसके लिए सीट निर्धारित कर दो, उसे इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन हम इज्जत देना ही नहीं चाहते, हम अपने नजरों में बदलाव करना ही नहीं चाहते। तो क्या इस तरीके से बदलाव संभव है? क्या इस तरीके से आधी आबादी का विकास हो सकता है? ये सवाल आप सबके सामने है। आपको मैं बता दूं कि हमें स्त्रियों को समानता लाने के लिए, हमें लैंगिक असमानता मिटाने के लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, और सिर्फ सीट निर्धारण करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें समाज में उनको बराबर का दर्जा भी देना होगा और हमें सोच को भी आजाद करना होगा। आपको बता दें कि हमें समाज में उन्हें रोजगार का हक दिलाना होगा, रोजगार में समानता दिलानी होगी, कार्यस्थल पर उनको शोषण मुक्त कराना पड़ेगा ताकि वो भी स्वच्छ रूप से कार्य कर पाए। आपको बता दें कि उन्हें शिक्षा, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें शिक्षा में भी समानता लाना होगा। अरे मैं कहती हूँ वो समाज में अपनी जगह खुद बना सके, हमें इस काबिल उन्हें बनाना पड़ेगा और हमें उन्हें बराबर का दर्जा देना होगा। ये ना सिर्फ बाहरी और कार्यस्थल पे, बल्कि हमें घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। पितृ सत्ता, जिसकी सबसे पहले बात आती है, जहां से शुरुआत होती है, आपको बता दें कि वहां भी हमें महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाना होगा। जब घर में पितृ सत्ता की जगह मातृ सत्ता भी आएगी, तब ये असमानता मिटेगी और समानता कायम होगा। आखिर क्या है ये लैंगिक संवेदनशीलता? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज, संस्कृति, राजनीति तथा आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत पुरुष तथा महिला के बीच अंतर समाप्त किया जा सके। हम इसकी वकालत में इस तरह डूब गए हैं कि शायद ये भूल गए हैं कि इनमें महिला या पुरुष किसी एक की भी अनुपस्थिति से सृष्टि का विकास क्रम अवरुद्ध हो सकता है। मानती हूँ कि इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को भोगवादी दृष्टि से देखा गया है तथा पुरुषों का असहज व्यवहार तथा दृष्टिकोण के कारण उनका शोषण हुआ है। लेकिन हम इस बात और सच से नकार नहीं सकते कि आज यौन शोषण, उत्पीड़न सिर्फ स्त्रियों की नहीं अपितु पुरुषों के साथ भी हो रहा है। मेरा मानना है कि यह लैंगिक संवेदनशीलता सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन भारत के अंदर इसका विस्तार अत्यंत ही कठिन है। हमें इसे सबसे पहले पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए तथा इसे पारिवारिक स्तर पर प्रभावी बनाना चाहिए, ना कि इसे सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दा बनाकर लड़ना चाहिए। जब तक युवा मस्तिष्क लैंगिक संवेदनशीलता या अन्य किसी ऐसे मुद्दे पर स्पष्ट नहीं होते, तब किसी भी प्रकार का उत्पीड़न जो समाज में हो रहा है उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पहले सोचे, विचारे, फिर कदम बढ़ाए। आपको बता दें कि यह बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो, रोजगार हो या अवसर अधिकार हो, हर क्षेत्र में लैंगिक समानता को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह एक सिक्के के दोनों पहलुओं का समानता है, ठीक उसी तरह समाज के दोनों पहलुओं में स्त्री तथा पुरुष में भी लैंगिक समानता होनी चाहिए। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लैंगिक समानता के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कई योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है, किंतु फिर भी भारत इस मामले में पिछड़ा हुआ है। अब आवश्यकता है समाज के बुनियादी ढांचे को बदल कर तकियानुसी सोच को खत्म करने की। लैंगिक समानता के लिए समाज से न केवल स्त्रियों को बल्कि शिक्षित वर्ग को भी जन जागरण का कार्य करना होगा, ताकि अपराधों में रोकथाम के साथ ही महिलाओं के अधिकारिक व कार्यस्थल में हो रहे शोषण का खात्मा किया जा सके।
आपको बता दें कि लैंगिक समानता की राह में क्या अवरोधक है, आइए आप इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको पहले बताना चाहेंगे पितृ सत्ता। जी हाँ, समाज ही लैंगिक समानता में सबसे बड़ा अवरोधक है। आज भी भारतीय समाज में अपनी सदियों पुरानी अवधारणा को अपना राह बना रहा है, जिसके चलते आज भी समाज की मानसिकता केवल इस बात मात्र तक सीमित हो चुकी है कि हमारा समाज पितृ सत्ता हो, अर्थात पुरुषों की प्रधानता हो। वहाँ यदि लैंगिक समानता के स्तर को उठाना है तो अत्यंत आवश्यक है कि समाज को इस मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए तथा समाज न केवल पितृ सत्ता अपितु मातृ सत्ता भी बनाया जाए। वही सामाजिक परंपरा एवं कुरीतियां भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि आज भी समाज के अधिकतर हिस्सों में अपनी पुरानी परंपराओं जो सदियों से चली आ रही है, कुरीतियां जो प्रायः अंधविश्वास व वहम पे आधारित होती हैं, उन्हें भी स्वीकृति दी जा रही है। वही शैक्षिक स्तर, आपको बता दें कि एक विकसित राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग वहाँ का साक्षर जनता होती है, जहाँ आधुनिक युग में व्यक्ति की साक्षरता ही उसकी पहचान बनती है। जो व्यक्ति साक्षर है वही एक उज्जवल भविष्य के स्वप्न को हकीकत में बदल सकता है। यदि समाज में लैंगिक समानता को बनाए रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में हमें स्त्री तथा पुरुष को शैक्षिक स्तर को समान करना होगा, स्त्री शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा ताकि वह भी पुरुष की बराबरी कर सके। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा भी अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। वही रोजगार के भी समान अवसर प्रदान करने होंगे। यह जरूरी है कि रोजगार के अवसर लिंग के आधार पर न निर्धारित हो, अपितु उन्हें कार्य कौशल के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा होगा, बल्कि साथ ही राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के समान ही अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे और लैंगिक समानता स्वतः ही समाज में कामयाबी से पांव जमा लेगी। अपने अगले कार्यक्रम में फिर एक सामाजिक मुद्दे पे हम आप सबके सामने होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।